तो किशोरों को वैक्सीन लगाने के कार्य का शुभारंभ हुआ है। फैदाबाद में करीब 50 स्थानों पर 15 से 18 साल तक के किशोरों को वैक्सीनेशन लगवा सकेंगे, उनकी माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों के कारण ही वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का आंकड़ा 100 करोड़ पार कर पाया है। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना संबंधी कोई भी बीमारी होने का खतरा खत्म हो जाता है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से यह आह्वान किया है कि वे जल्द से जल्द वैक्सीन जरूर लगवा लें। मंत्री की माने तो इसके लिए कैंप में भी और स्कूलों में भी किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, हमारे एस जे बल्लभगढ़ के अंदर 15 से 18 साल के बच्चे लगभग 2700 के आसपास बच्चे हैं और आज उनका उद्घाटन किया जा रहा है। और माननीय मंत्री जी हमारे जो हैं मूलचंद शर्मा जी उसको उद्घाटन करेंगे और ये लगभग 11 बजे का टाइम हमने रखा हुआ है। तो लगभग कितने बच्चे पहुंचे आज यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए? देखिए अभी तो देखिए ऐसा कि अभी शुरुआत है, तो हो सकता है कि बच्चों को मतलब कि ऐसे है हम लोग उसका बताएंगे, जैसे लोगों को मीडिया में बताएंगे, जैसे आप लोगों के थ्रू बताएंगे, उससे हो सकता है कि उनका प्रोत्साहन लेके वो बच्चे हमारे पास आएँ। अभी कुछ बच्चों हमारे पास आए भी हैं, कुछ आ भी रहे हैं। प्रशासन की तैयारियाँ पूरी हैं? हाँ जी, हमारी तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं। करेंगे अगली खबर की और। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर केंद्र सरकार ने 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने का फैसला लिया है। तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल की है, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उसी के मद्देनजर इसको देखते हुए 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा रही है। बच्चों की माने तो स्वस्थ भारत की तरफ से ये अच्छी पहल बताई जा रही है। जो 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, बिना वैक्सीन के छात्र पेपर भी नहीं दे सकते, अब हम वैक्सीन लगवा रहे हैं और हम पेपर आसानी से दे सकते हैं। वैक्सीन लगाने पर हमें कोई दिक्कत नहीं है और लोगों से अपील करते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे वैक्सीन लगवाएं। निशा जी, आज हम पहुंचे हो वैक्सीन लगवाने के लिए, क्या कहना चाहोगे? आज वैक्सीन लगी आपके? वैक्सीन लगी अच्छी बात है, क्योंकि पेपर देना हम चाहते हैं पेपर हो ताकि बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाए और ताकि हमारे अच्छे से पेपर हो और हम लोग का मतलब रिजल्ट आए, ताकि हमारे अच्छे से अच्छे एडमिशन हो सके कॉलेज में, ये सब कहना चाहेंगे। कितनी एज है आपकी? आज कितने साल के बच्चों का जो वैक्सीन लगाई जा रही है आज? जो आज 15 से 18 के बच्चों की लगाई जा रही है और मैं 18 की मतलब अभी चल रही हूँ 18 में, तो मैं किसी चीज का डर वर तो नहीं है इसमें? नहीं, डर महसूस हो, डर लग रहा हो वैक्सीन लगवाई है कोई घर? नहीं, डर नहीं लग रहा, अच्छी बात है। वैक्सीन लगेगी तभी तो हम लोग पेपर देंगे, नहीं तो ऐसे हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो हम पेपर कैसे देंगे? ऐसे बच्चों की पढ़ाई में भी नुकसान हो रहा है, इसके चलते हम डरते रहेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। क्या नाम जी आपका? निशा जी, आज यहाँ पहुँचे हो वैक्सीन लगवाने के लिए, क्या कहना चाहोगे? कोई डर लग रहा हो? किस तरीके से? कोई डर नहीं लगा स्टार्टिंग में, मैं मतलब प्रॉब्लम की तरह काफी जो है वैक्सीन नहीं लगवाई थी, बट ये भी जरूरी है हमारी पढ़ाई के लिए ताकि हमारी पढ़ाई आगे की जारी रहे। तो क्या कहना चाहोगे लोगों से, क्या अपील करना चाहोगे? जिस तरीके से आज 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन आज का शुभारंभ कर दिया गया, आज सब जगह वैक्सीन लगाई जा रही है, जो उनके वैक्सीन नहीं लगी है उन लोगों से किस तरीके से? मतलब अपने बच्चों को वैक्सीन लगाए क्योंकि आगे पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, आगे के लिए वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, हमारे सेहत के लिए भी ज़रूरी है ताकि हमें कोई हम किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। इस तरीके से कोरोना के मरीज की बात की जाए तो फरीदाबाद में आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जो वैक्सीन का शुभारंभ किया। करेंगे अगली खबर की और। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने निगम के अधिकारी के कार्यालय में जाकर उनको सलाह दी है कि वो नए साल में पूरी लगन और मेहनत के साथ कार्य करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इस मौके पर उन्होंने कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने सभी अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामना दी। उन्होंने सभी कार्यालयों में जाकर उनकी कार्यशैली की भी जाँच की और आगे से अच्छे काम करने का मशवरा भी दिया। लोगों को, ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को नए साल की मुबारक देने के बहाने से मैं मिलना चाहता था, क्योंकि सब लोग अदरवाइज ऑफिस में आते हैं, उनका काम भी सफ़र करता है, तो उन्हीं की ब्रांचेज में जाकर मैं उनसे मिलना चाहता था, हालातें कैसी है भी देखना एक उसका पर्पस था। हिदायत भी दी है टाइम पे आने की लोगों को। तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सभी लोग 9 बजे टाइम पे आएँ, काम करें और टाइम से अपने घर वापस जाएँ, ऐसा उनको हिदायत दी गई है। दूसरा, कोई पेंडेंसी उनके पास में नहीं रहनी चाहिए, ऐसी हिदायत की गई है। और अगर कोई उसमें दिक्कत है उनको किसी तरह की तो वो बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम है। और तीसरा, सभी लोग काम करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम करते नहीं है, निठल्ले रहते हैं और उसकी वजह से दूसरे लोगों को और बर्डन फील करते हैं वो लोग, तो उनसे ये कहा गया है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और अगर वो नहीं काम कर रहे हैं तो उनके बारे में बताएँ ताकि
उनको छुट्टी कर सकें या उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हरियाणा सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है कि डबल डोज वैक्सीनेटेड ही कार्यालय में पहुंचेंगे, क्या ये भी आपने चेक किया है और ये क्या इंश्योर किया है कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी डबल वैक्सीनेटेड हैं या नहीं? देखिए अभी हमारे पास में जो ऑफिशियल्स की बात करें तो वो वैक्सीनेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं आज तक उसका सिस्टम अभी तक नहीं बन पाया है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो डबल डोज जिसको नहीं मिली है वो एंटर करे, बट ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए और संभव है शायद कि हमारी जो एंट्री है उसके ऊपर किसी को बैठा दें चेक करके वो लोगों को अंदर आने दें, तो इसका हम प्रयास करेंगे। लापरवाही मिली आप अंदर गए कमरों में? नहीं, आज सिर्फ उद्देश्य इतना ही था कि उनको नए साल की मुबारकबाद भी मैं देना चाहता था और उनको सिर्फ बताना चाहता था कि नए साल। पहले खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल गढ़पुरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा फांसी का फंदा लगाकर अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 दिन की रिमांड पर लेकर पुलिस ने आरोपी से दहेज का सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि तिरवाड़ा गांव थाना बिछौर जिला नूह निवासी अयूब ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपनी बेटी सुमैया की शादी साल 2019 में बिरार गांव थाना कामा जिला भरतपुर राजस्थान निवासी हैदर अली के साथ की थी। शादी के बाद से हैदर अली का अपने परिवार के साथ झगड़ा रहने लगा, जिसके बाद हैदर अली सुमैया को लेकर पिछले 2.5 महीने से असावटी गांव में किराए के मकान पर रहने लगा। गत 26 दिसंबर को पीड़ित के पास फोन आया कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। पीड़ित ने मौके पर जाकर देखा तो सुमैया फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। पीड़ित ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी बेटी सुमैया को दामाद हैदर अली ने मारकर लटकाया है। जांच अधिकारी राशिद ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को घसावटी से गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने फांसी लगा ली। उन्होंने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी के गांव से दहेज का सामान बरामद कर लिया गया है, अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या था 302 का जी? कितने दिन के रिमांड पे था और क्या कार्रवाई की गई है? इसको हमने 31 तारीख को अरेस्ट किया था और पेश करके 2 दिन के रिमांड पे था। आज रिमांड पूरा होने के और तफ्तीस पूरी होने के उपरांत आज कोर्ट में पेश करने लेके जा रहे हैं। रिमांड अवधि के दौरान क्या क्या चीज़ बरामद की गई है? इससे दहेज का सामान बरामद किया। कहाँ से गिरफ्तारी दिखाई है आपने इनकी? गिरफ्तारी असावटी से गिरफ्तार हुआ था जी, और इसके घर से गांव बिरार से सामान बरामद किया। क्या आरोप लगा था और किस हालात में हत्या हुई थी? इसका ये दहेज के लिए इसको परेशान करता था ये, और इसकी मदर फादर और जीजा और बहन उससे परेशान होकर उसने फांसी खाई। और भी कोई आरोपी हैं इसमें? हाँ, और आरोपी बकाया है। क्या आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है? अभी इसको पेश अदालत करके उसके बाद उन बाकी आरोपियों की खबर की। और मेघालय के राज्यपाल प्रोफेसर सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घमंडी बताया है। मलिक ने कहा कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में उनसे लड़ाई हो गई। वे बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मरे हैं क्या? मैंने उनसे कहा कि आपके लिए ही तो मरे हैं जो आप राजा बने हुए हो। मेरा झगड़ा हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से मिले। मैं अमित शाह से मिला। सत्यपाल मलिक हरियाणा के चरखी दादरी स्थित बाबा स्वामी दयाल धाम पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दर्ज मुकदमों को रद्द कराने के लेकर सरकार को MSP को कानून अमली जाना पहनाने का काम ईमानदारी से पूरा करना होगा। सरकार अगर ये सोच रही है कि आंदोलन खत्म हो चुका है तो ये गलत है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि स्थगित हुआ है। अगर किसानों से जाती तो आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। प्रोफेसर मलिक ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे आगे कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब किसानों को अपने पक्ष में फैसले करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति की है और हर स्थिति में वे किसानों के साथ है। इसके लिए फिर चाहे उन्हें कोई भी पद क्यों ना छोड़ना पड़े। सतपाल मलिक लंबे समय से किसान आंदोलन का शांतिपूर्ण समर्थन करते हुए रहे हैं और हमेशा उनका पक्ष रखते रहे हैं। वे केंद्र सरकार से भी लगातार किसानों से बातचीत करने के लिए दबाव बना रहे थे। उन्होंने इस मसले पर स्वयं भी किसान नेताओं से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए। चलिए खबरों में बात करेंगे आप पंजाब की राजनीति की। बीजेपी में शामिल होने के ठीक 6 दिन के बाद पंजाब के विधायक बलविंदर सिंह लाड़ी ने भगवा पार्टी से नाता तोड़ लिया है।
फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लाडी ने सोमवार को कहा कि वो रविवार की रात कांग्रेस के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी में कांग्रेस में लौट आए। श्री हर गोविंदपुर के विधायक लाडी कांदिया के विधायक फतेह जंग सिंह भाजपा के साथ 28 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। दोनों विधायक केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए थे। नई दिल्ली में पंजाब भाजपा के पार्टी मामलों के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इन सभी को बीजेपी में शामिल करवाया था। विधायक बलविंदर सिंह लाडी श्री हरगोविंदपुर से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और चर्चा थी कि बीजेपी उन्हें वहीं से उम्मीदवार बना सकती है। श्री हरगोविंदपुर रिजर्व क्षेत्र है और इलाके में बीजेपी का कोई खास आधार नहीं है। साथ ही लाडी इस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से परिचित भी है। कहा जा रहा है कि टिकट के आश्वासन पर ही लाडी बीजेपी में गए थे। चलिए खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे पलवल की। पलवल जिले के गांव दुधौला में एक 25 वर्षीय युवक की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। गतपुरी थाना पुलिस ने मृतक के साले की शिकायत पर गांव के ही 9 नामजद युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बल्लभगढ़ के गांव अटाली निवासी हरबीर सिंह ने बताया कि उसने अपनी बहन की शादी 6 साल पहले गांव दुधौला निवासी गौरव के साथ की थी। उसका जीजा गौरव कंपनी में काम करता है। रविवार की दोपहर 2:30 बजे वो घर से खाना खाकर निकला था और शाम 4 बजे परिवार वालों को ग्रामीणों ने सूचना दी कि गौरव गांव में स्थित मंदिर की छत पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और उसे पलवल के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि गांव के दीपक, पिंकू, रिंकू सहित 9 युवकों ने उसकी जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की है। वहीं गतपुरी थाना प्रभारी सुरेंद्र का कहना है कि मृतक के साले की शिकायत पर गांव के 9 नामजद युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य है पुलिस के हाथ लगते हैं, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि मृतक गौरव पर 3 बेटियां हैं और गौरव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पिता की 10 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद गौरव ही कंपनी में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। गौरव की मौत से गांव में मातम का माहौल है और परिवार को अब अपने भरण पोषण की चिंता सताने लगी है। घर पर गांव वालों व परिवार वालों का तांता लगा हुआ है। सिस्टर भी आई थी यहाँ पे दूध वाला गाँव में। ये हमारा जो रिश्तेदार था, क्या नाम है, गौरव, तो इसको कल 2:30 बजे घर से निकला था ये, और खाना वाना खा के तो इसे किसी ने जहरीला पदार्थ खिला दिया, उसके बाद इसकी मौत हो गई थी वहाँ पे। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था ये मर चुका है। किसने खिलाया जहरीला पदार्थ? ये जी कुछ बंदे थे, दीपक है और पिंकू है, रिंकू है और कई बंदे हैं इसमें। कहाँ के रहने वाले हैं ये? दूधवाला गांव के रहने वाले हैं। तो शिकायत दे दी है पुलिस को? पुलिस में शिकायत दे दी है, FIR दर्ज हो चुकी है। कोई रंजिश थी क्या, कोई प्रॉब्लम? रंजिश अभी जो हमारी सिस्टर है वो बता नहीं रही है, कुछ होश में नहीं है, वैसे रंजिश हो सकती है। एक बताया जा रहा है कि 3 बच्चियाँ हैं और घर पे कोई नहीं है, तो 3 बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ साल की हैं, कोई 2 साल की है एक। ये हरवीर सिंह और बीर सिंह निवासी अटाड़ी में हमें कल रात को दरखास्त दी थी, जिस पर हमने 302, 328, 34 IPC की FIR दर्ज की है। और इन्होंने गौरव नाम का जो लड़का था, हरवीर का जीजा लगता है, इन्होंने कंप्लेंट दी है भी गाँव के कुछ लड़के हैं, दीपक, रिंकू, पिंकू, रवि, सतवीर, लाखन और कई लड़के हैं, केरी, इन्होंने कोई नशीली दवाई पिलाकर इसकी हत्या कर दी है। FIR दर्ज करके हमने पोस्टमार्टम कराया आज और इसकी जांच करेंगे, जो इसमें असल दोषी होगा उसकी गिरफ्तारी। प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है देखने में? अभी प्रथम दृष्टि से देखो कंप्लेंट दी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके बाद ही पता लगेगा। अभी गाँव में जाँच करेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। जितने भी आरोपी सारे बाइनेम है, क्यों अन्य भी है कुछ? नहीं, अन्य भी हैं, उन्होंने अन्य भी लिखा है, जांच का विषय है, जांच में जो आएगा।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किशोरों के टीकाकरण को लेकर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किशोरों और किशोरियों का भारी संख्या में टीकाकरण किया गया। जिला उपायुक्त टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत जिला शिक्षा अधिकारी कोविड 19 वैक्सीन के नोडल अधिकारी योगेश मलिक की मौजूदगी में किया गया। किशोरों के टीकाकरण को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर पलवल के राजकीय स्कूलों में 15 से 18 साल तक के बच्चों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से मौके पर पहुंचकर भारी संख्या में बच्चों का टीकाकरण किया गया। गौरतलब है कि पिछले काफी लंबे समय से लगातार देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर तमाम बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। वहीं टीकाकरण को लेकर बच्चों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। स्कूलों में कोविड 19 के तहत तमाम बच्चे मास्क लगाकर टीकाकरण कराने के लिए आए। जिलों में टीकाकरण के शुभारंभ को पलवल के जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार के द्वारा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में किया गया और इस अवसर पर राजकीय विभाग के जिलाधिकारी एवं शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है उनको प्राथमिकता के तौर पर स्कूल के अंदर ही टीकाकरण किया गया। आज से 15 से 18 साल के जो आयु वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज से विधिवत शुरू कर दिया गया, जिसका उद्घाटन हमारे ज़िले के माननीय उपायुक्त महोदय श्री कृष्ण कुमार IAS द्वारा किया गया है। और आज इस राजकीय कन्या गर्ल्स जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पलवल कैंप, इससे उद्घाटन किया गया है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों में टीकाकरण के लिए जोश देखते ही बनता था लगवाने के लिए। और हम जो हमारे 70,000 के करीब जिले में 15 से 18 वर्ग के बच्चे हैं, वो सभी हम चाहते हैं कि ये फुल्ली वैक्सीनेट हो जाएं, जिससे कि आगे जो महामारी आ रही है उससे ना केवल बच्चे बल्कि उनके पेरेंट्स को भी इससे सावधानी, उन सबको आज डोज दी जाएगी और 28 दिन के बाद फिर रिपीट कैंप लगेंगे, उसमें फिर उनको दूसरी डोज दी जाएगी। ये प्रोग्राम हमारा पलवल होडल तीनों सब डिवीज़न में साइमल्टेनियसली चलेगा और हम सब स्कूलों को एक शेड्यूल बना के उसको कवर करेंगे हर स्कूल। किशोरों से क्या अपील है? मेरी बच्चों से यही अपील है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाए और 2 गज की दूरी बना के रखें, और अपने परिवार में भी जिसकी दूसरी डोज ड्यू हो गई है और जिन्होंने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो भी दूसरी डोज किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके लगवाएं, और भीड़ भाड़ में की जगह पे जाने से बचें, मास्क पहने और वैक्सीनेट करें। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया बच्चों को लगाई जाएगी?